सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोम इंजीनियर। तो गैस वेल्डिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने देखा कि गैस वेल्डिंग में कितने टाइप के, सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्चुअली ऑक्सीएसिटिलीन गैस, फिर हम फ्लेम के बारे में पढ़े। ना अब हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग टेक्निक, गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग टेक्निक्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली दो टाइप का टेक्निक यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। एक होता है हमारा बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक्स। तो फोर हेड और बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक्स हम यहां पर देखने वाले हैं। क्या होता है फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक्स और क्या होता है हमारा बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। आइए देखते हैं इसका, मैं दोनों का ड्राइंग बनाऊं, मैं ड्राइंग बना लेता हूं जल्दी से। तो ये मैंने बना लिया गैस वेल्डिंग के वेल्डिंग टेक्निक्स के डायग्राम्स, फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक्स एंड बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक्स। देखो फोर हेड वेल्डिंग, ये हमारा वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये जो पार्ट है ये जो मैंने हेक्स करके दिखाया है ये वेल्डेड पोर्शन है जिसको हमें वेल्ड करना है, और जहां पे वेल्ड हो रहा है ये भी हमारा, ठीक है। डिफरेंस क्या है फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक्स में, हम क्या करते हैं, हम जो अपना टॉर्च है, टॉर्च ये हमारा वेल्डेड पोर्शन तो ये है, हम वेल्डेड पोर्शन की ओर नहीं करते, हम वेल्डेड जिधर वेल्ड करना है उधर की ओर हम टॉर्च ना ले जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्च को हम मूव करते हैं। मतलब अगर मुझे इधर वेल्ड करना है टॉर्च को मैं यहाँ इधर की ओर ले जाऊंगा, इधर वेल्ड करना है, ठीक है, वेल्ड डायरेक्शन, दिस इज वेल्ड डायरेक्शन, तो मैं अपने टॉर्च को इधर की ओर ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे ले जाऊंगा उधर पीछे वेल्ड होता जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक। यहाँ पे जिधर आपको वेल्डिंग करनी है अपनी टॉर्च को उधर की ओर ही मूव करना पड़ेगा, टॉर्च को वेल्डिंग के डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं, यहाँ पे जो टॉर्च है उसको किधर मूव करना होगा, टुवर्ड्स नॉन वेल्डिंग, टुवर्ड्स नॉन वेल्डिंग साइड, टुवर्ड्स नॉन वेल्डिंग पोर्शन, टुवर्ड्स नॉन वेल्डिंग पोर्शन की तरफ आपको अपनी टॉर्च को मूव करना होगा, और इधर देखोगे इधर टुवर्ड्स वेल्डिंग पोर्शन, इधर आपको टुवर्ड्स वेल्डिंग पोर्शन की तरफ अपने टॉर्च को मूव करना होगा। अगला लाइन लिखता हूं। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहे, जिधर आपको वेल्ड करना है आप उधर की ओर ही टॉर्च ले रहे हो, ये पार्ट आपका वेल्ड होता जा रहा है, क्लियर है। बट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जब आप करो, यहाँ जो वेल्डिंग पूल बनेगा, जो पार्ट हीट होगा, ये पार्ट ऐसा बनेगा, ये पार्ट हीट होगा, इस पार्ट को हीट होने से तो यहाँ का जो क्या है, जो मेटल मेल्ट होगा वो क्या होगा, स्पार्क होके पीछे की ओर आएगा, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में टॉर्च रखे हो और किधर मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स नॉन वेल्डिंग पोर्शन, वेल्डिंग पोर्शन ये नॉन वेल्डिंग पोर्शन की तरफ जा रहे हो, तो जहां पे आप पुट कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो मोल्टेन मेटल है वो पूरा मेटल पहले तो पिघलेगा और फिर क्या होगा, वहां से स्पार्क होके पीछे की ओर आके ऐसा ऐसा इकट्ठा होने लगेगा और पीछे वेल्ड होता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे वेल्ड पुल ऐसा बनता जाएगा और पीछे की ओर वेल्ड होता जाएगा। तो जो इसका सरफेस है, ये सरफेस जो है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस जनरेट होता है इन केस ऑफ फोर हेड वेल्डिंग टॉर्च में, ठीक है। बिकॉज ये तो क्योंकि आप यहाँ का क्या कर रहे हो, ये प्री हीटिंग जोन हो गया, यहाँ पे प्री हीट मेटल क्या कर रहे हो, जो वेल्डेड एरिया है वेल्ड तो बाद में हो रहा है, पहले इधर का जो एरिया है, इधर के एरिया को आप क्या कर रहे हो, प्री हीट करते जा रहे हो, अब प्री हीट होते जा रहा है और जो मोल्टेन मेटल है वो स्पार्क होके पीछे ऐसे वेल्ड होते जा रहा है, तो ये जो सरफेस बनेगा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वेल्डेड सेक्शन है उधर की ओर हम इसको टॉर्च को मूव करते हैं, तो ये जो टेक्निक है इसको हम पोस्ट हीटिंग भी बोलते हैं, यहाँ पहले ही हीट हो जा रहा है फिर वेल्ड हो रहा है, यहाँ पे वेल्ड है उसके ऊपर फिर टॉर्च चला रहा है, पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग क्यों करते हैं, इन केस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, जब हमें कुछ अमाउंट ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होती है मटेरियल्स में तब हम ये बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ पहले तो पहला पॉइंट है टुवर्ड्स नॉर्थ वेल्डिंग नॉन वेल्डिंग पोर्शन की तरफ टॉर्च को मूव करना है, टुवर्ड्स वेल्डिंग पोर्शन की तरफ टॉर्च को मूव करना है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, दैट इज प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। अगला है
नॉन यूनिफॉर्म सरफेस क्रिएट होता है. थर्ड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म स्लैग स्लैग सरफेस वेल्ड सरफेस पे आता है. नॉन यूनिफॉर्म स्लैग वेल्ड सरफेस पे बनता है. यहां पे आपका यूनिफॉर्म स्लैग सरफेस क्रिएट होता है. दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. ठीक है, पॉइंट नंबर फोर. पॉइंट नंबर फोर देखिए, जो हमारा फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक है सिंगल पास में, ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसे पास करना है. तो सिंगल पास में ये प्लेट अप टू थिकनेस 4 mm प्लेट की थिकनेस एक बार एक सिंगल पास में वेल्ड कर सकता है. ठीक है, 4 mm थिकनेस प्लेट को सिंगल पास में वेल्ड कर सकता है. और इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा, सिंगल पास में 6 mm तक के प्लेट को वेल्ड कर सकता है. फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो मॉडिफाइड टेक्निक आया, ये तो हमारा नॉर्मल ऐसे हम मूव कर रहे हैं इसको इधर की ओर मूव कर रहे हैं. जो मॉडिफाइड टेक्निक है वो क्या, कैसा टेक्निक है, इस तरीके का. पहले हम थोड़ा आगे की ओर अपना टॉर्च मूव करेंगे, ठीक है, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर. ये मॉडर्न टेक्निक स्टाइल है. तो आप अगर ऐसे अगर फोर हेड वेल्डिंग टॉर्च में ये कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेट 6 mm तक का आप प्लेट को एक सिंगल पास में, इन सिंगल पास में आप वेल्ड कर सकते हो. और इस इन बैक हेड वेल्डिंग टेक्निक में आप 15 mm तक के प्लेट थिकनेस को वेल्ड कर सकते हो इन सिंगल पास में. क्लियर है? तो ये था ओवरऑल हमारा वेल्डिंग टेक्निक्स इन गैस वेल्डिंग में. ठीक है, नाउ इसी में एक टॉपिक और हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड टॉर्च एंगल. टॉर्च का क्या एंगल रखना सही रहता है वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, गैस वेल्डिंग के दौरान आप टॉर्च की ये जो एंगल है ये एंगल क्या रखोगे कि आपको अच्छी वेल्डिंग मिले, दिस अल्फा. तो टॉर्च एंगल कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है. सबसे पहला थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट. तो आपकी प्लेट की थिकनेस क्या है अल्फा की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है. दूसरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल, आपकी मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट क्या है उस पर डिपेंड करती है. थर्मल कंडक्टिविटी पे, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है. एंड द लास्ट ऑफ प्लेस ऑफ वेल्डिंग मतलब आप किस तरीके से किस प्लेस पे रख के, मतलब किस तरीके से आप वेल्डिंग इजिली कर सकते हैं, अल्फा एंगल क्या रखकर. ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी पे हमारी टॉर्च एंगल डिपेंड करती है कि थिकनेस ऑफ प्लेट अगर कम हुआ तो क्या एंगल रखना अच्छा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ज्यादा रहा तो क्या रखना होगा, ये सब. ठीक है, तो प्लेस ऑफ वेल्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. देखो, जो वेल्डिंग टॉर्च एंगल जो अल्फा होता है शुरुआत में, एट स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपको अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी होती है. 90 डिग्री रखनी होती है, क्यों मैं अभी बताऊंगा. और एट द एंड ऑफ वेल्डिंग, जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट होने वाला होता है, एट द एंड ऑफ वेल्डिंग अल्फा की वैल्यू जितना कम हो सके कम से कम उतना रखना पड़ता है, मतलब 0 to 25 डिग्री तक. ठीक है, आपको जितना कम हो सके उतना कम रखना पड़ता है. क्यों, ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखिए, गैस वेल्डिंग में जो हमारी वेल्डिंग डायरेक्ट डिपेंड होती है हमारी फ्लेम की डेंसिटी पे, फ्लेम कितना डेंस है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा वेल्डिंग कैसा होगा. तो फ्लेम डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो फ्लेम डेंसिटी क्या होता है, हीट सप्लाई जो आप कर रहे हो जिस भी सरफेस पे अपॉन अ कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, जिस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट की हो दैट्स कॉल्ड फ्लेम डेंसिटी. ठीक है, ये कैसे इनके साथ ये रिलेट करता है. देखो, जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो, जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो तो आप वर्क पीस है, इस वर्क पीस रूम टेम्परेचर पे है ना, ये वर्क पीस मतलब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. तो इसको अगर आप वेल्ड करना चाहते हो तो भाई इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक तो ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो मेटल मेल्ट होगा. मेटल मेल्ट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट तक तो आपको ले जाना पड़ेगा. तब मेटल मेल्ट होगा तब तो ये वेल्ड होगा. तो आपको शुरू में आपको फ्लेम डेंसिटी ज्यादा देना है. फ्लेम डेंसिटी कैसे ज्यादा दोगे,
वो अल्फा के अल्फा का एंगल चेंज करके आप फ्लेम डेंसिटी चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए शुरू में अपना जो आपका जो फ्लेम होता है आपको एक पॉइंट पे ऐसा स्ट्रेट रखना पड़ता है, मतलब आपका जो अल्फा है वो अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा जो फ्लेम है वो इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो जाए कम से कम टाइम में क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका मेटल मेल्ट हो जाएगा कम से कम टाइम पे। तो अल्फा की डिग्री 90 डिग्री रखने पे फ्लेम एक पॉइंट पे लग रहा है, और जैसे आप ये चेंज करते हो तो क्या होता है फ्लेम फिर आप जब डायरेक्ट फ्लेम का अल्फा अगर अल्फा आप चेंज कर रहे हो तो फ्लेम फिर क्या आएगा, फ्लेम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट ना होगे, फ्लेम आपका पूरा लगभग इस सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा उस पार्ट को मेल्ट करने में। तो स्टार्टिंग में हमको जल्दी से अपने वर्क पीस को रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक ले जाना होता है, इसलिए स्टार्टिंग में अपने टॉर्च को हम वैसे 90 डिग्री पर रखते हैं ताकि ये पार्ट जल्दी से हीट हो जाए, मेल्टिंग स्टेट पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आ जाए। और जैसे वो उस टेम्परेचर पे आता है हम दूसरे में फिर एट द एंड प्रोसेस हम अपने अल्फा को जितना कम हो सके उतना कम करने लगते हैं। क्यों कम से एट द एंड पॉइंट पे हम अल्फा की वैल्यू कम करते हैं, रीजन क्या है, जब आप क्या ये मोल्टेन मेटल जब पिघल गया फिर भी आप इसी पॉइंट पर अगर ऐसे ही आप देता ज्यादा होगे तो मेटल क्या होगा मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने के बाद आप इतना फोर्स से फोर्स तो लग रहा है ना इस पे फ्लेम का, तो मोल्टेन मेटल क्या हो जाएगा बाहर स्पार्स हो जाएगा और जो नॉन मेटल एरिया है वहां पे जाकर ये गिर जाएगा। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए आप जितना इसको नीचे करोगे जितना अपना एंगल को नीचे करोगे फ्लेम उतना सरफेस पे ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो एट द एंड प्रोसेस अल्फा की वैल्यू हम जितना कम हो सके इन द सेंस हम 0-25 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। तो थिकनेस ऑफ प्लेट यहाँ क्या है कि फ्लेम डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब क्या हुआ अगर आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अगर बढ़ाओगे थिकनेस ऑफ प्लेट के टर्म में अल्फा की वैल्यू बनाओगे तो फ्लेम की जो डेंसिटी है रो एफ ये भी ज्यादा होगी, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लेम डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो थिकनेस ऑफ प्लेट पे ऐसा रिलेशन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल यहाँ भी मेल्टिंग अल्फा की वैल्यू आप ज्यादा रखोगे तो फ्लेम डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी तो मेटल इजिली आप अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ भी ज्यादा रखोगे तो फ्लेम डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। एट द प्लेस ऑफ वेल्डिंग ये तो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो समझ में आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्यों 90 डिग्री रखते हैं, एंड पे हम क्यों कम से कम रखते हैं। तो ये रहता है टॉर्च एंगल इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग, ठीक है।